फतेहाबाद के बीजेपी विधायक दुड़ाराम के ड्राइवर द्वारा सुसाइड करने के मामले में नया मोड़ आ गया। ड्राइवर के परिवार और ग्रामीण इकट्ठे होकर विधायक के निवास पर पहुंचे और उसका घेराव कर दिया। वहीं भारी पुलिस बल भी विधायक दुड़ाराम की कोठी के आगे तैनात रहा। काफी दिन पहले विधायक के ड्राइवर ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। विधायक दुड़ाराम के घर के आगे पहुंचे भारी संख्या में ग्रामीण व ड्राइवर के परिवार ने घेराव कर लिया। वहीं आए हुए ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए विधायक दुड़ाराम भी आए, लेकिन बातचीत के दौरान भी कड़ा विरोध नजर आया। वहीं मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा था। फतेहाबाद विधायक की कोठी के आगे बैठी महिला की भी तबीयत इस दौरान खराब हो गई और एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। आपको बता दें कि गांव कुम्हारिया के ग्रामीणों ने फतेहाबाद के विधायक के घर के आगे धरना दे रखा है। विधायक के पूर्व चालक टोपी के जहरीले पदार्थ का सेवन कर लेने के मामले में लोग विरोध जता रहे हैं। इस मामले में चालक का एक सुसाइड नोट भी वायरल हुआ था, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गया। अब फिर उसी मामले में उसने विधायक के घर के बाहर परिवार व ग्रामीणों के साथ धरना दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस कप्तान को एसपी को एप्लीकेशन दीजिए और मैं कहूंगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने विषय दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है, झूठा इंजाम लगाता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँ दूध का दूध पानी का होना चाहिए, कोई गलत बात मेरे तो कहा आओ कोई ज्ञापन देना ज्ञापन दीजिए, मेरे को ज्ञापन दें मुझे दीजिए, एसपी को दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं। आना एमएलए से मिलिए, फोन मैं बैठा मिलने के लिए बैठा, आगे मिले और इसको ना भी मिले मैं कहूँगा एसपी साहब को जाकर दरखास्त दीजिए, सीनियर अधिकारी इंक्वायरी करेंगे। तो सही बात है, होनी चाहिए मैं हकम उस बात का कि जो अगर पैसे दिए तो उनको वापस मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कोई भी हो। अगर ये गलत इंजाम लगाता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी झूठा किसी पर इंजाम नहीं। मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ ये मामला है। मैंने पैसे दिए थे नौकरी के नाम पे राजवीर इसके पीए को, दुड़ाराम जी पीए को, ठीक है। मैंने सुसाइड किया था, ठीक है जी, ये घबराए हुआ कोशिश की थी आपने, ठीक है। उसके बाद में कोशिश नहीं की थी, सुना के एन घबराए हुआ। उसके बाद में मेरे को अस्पताल में ले गए थे, ये अस्पताल में मेरे बोतल चढ़ रही थी, इन्होंने मेरी घरवाली को बुला के साइन करवाने चाहते थे। भाई तुम्हारे घर वाले को तो सुसाइड का उसमें पीने का कोई जिक्र नहीं था, भाई ये दा पी गया, अपना सपरा पी गया और पी गया, उसमें ये लिखा गया कि इसके है ना हार्ट अटैक आ गया है। तो मेरा लड़का है उसने साइन करवा लिए, लड़के के घरवाली ने पढ़ा तो उसमें ये था भाई टेक पढ़ने से इसकी हालात ख़राब हो गई है, सैकल हॉस्पिटल की बात है ये, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, घरवाली बोली इसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, तो आज ये के नाम रे बुखार नहीं चढ़ा, टेक कैसे पढ़ सकता है, मैं साइन नहीं करूँगी। उस दिन साइन कर देता तो ये टेक का ही मामला होता, मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता, मीडिया के सामने, जनता मेरे गाँव का सारे गाँव आया उसके सामने नहीं होता, ये बात है सर। कितने कितने पैसे दिए थे, कितने लोगों को? मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप किस किसी बंदे की है, सब है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, तो इनसे आपने पैसे लेके किसको दिए? राजवीर इसके पीए को, नौकरी लगवाने के नाम पे? हाँ बिल्कुल जी। तो पर बंदा कितने कैंडिडेट, कितने टोटल कितने पैसे थे जी? ये 85 लाख रुपए है सर। 85 लाख रुपए दिए? हाँ। तो राजवीर को दिए थे आपने? हाँ राजवीर को लिया के दिए जी। तो राजवीर ने क्या कहा था अभी, किसको देने या कैसे लगेंगे नौकरी क्या है? उसके बचाने के लिए दुड़ाराम ने दिन रात ये कर दी थी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको लगता है अभी ये पैसे राजवीर ने दुड़ाराम जी को दिए हैं उसके बाद? मेरे को अभी तो मेरे को पक्का प्रूफ हो गया जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक उसके खिलाफ मेरा साइन नहीं हुआ, जब तक दुड़ाराम दिन रात एक कर रखी थी भाई, कैसे न कैसे इसके साइन हो, इसके हाथ कट जाए तो तुम्हारा मामला ठंडा हो। आपका ये आरोप है कि राजवीर ने पैसे दुड़ाराम को दिए हैं? आइए है जी। तो अब आपकी मांग क्या है जी इसमें? इनके हिसाब होना चाहिए, मेरी यही मांग है, ये रही।